सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास VLC मीडिया प्लेयर में ऑडियो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप VLC मीडिया प्लेयर में जो भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो आप उसमें पहले चेक कर लीजिए उसमें ऑडियो है या नहीं। अगर आपके पास उसमें ऑडियो है फिर भी आपके पास ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर VLC ओपन करने के बाद यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसेट प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर को आपको रिसेट कर देना है। यहाँ पर से ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पर रिसेट हो गया है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन को आपको अनेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑडियो टैब में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको चेक करना है अनेबल ऑडियो, अगर आपके पास ये अनचेक है तो आप इसको चेक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन को आपको अनेबल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ऑडियो ट्रैक में आपको यहाँ पर Track 1 सेलेक्ट होना चाहिए, अगर आपके पास ये डिसेबल है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो है VLC मीडिया प्लेयर को क्लोज कर देना है, फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, फिर आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है, तो आपको यहां पर ऑडियो के ड्राइवर आपको अपडेट कर देना है। यहां पर इसको एक्सटेंड कीजिए, फिर आपको यहां पर स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, फिर यहां पर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप इसको क्लोज कीजिए, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर साउंड वीडियो एंड गेम्स कंट्रोलर, तो यहाँ पर से भी आपको जो है स्पीकर के ऑडियो ड्राइवर को आपको अपडेट कर देना है। सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ड्राइवर जो है यहाँ पर से अपडेट हो गए हैं। उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है, फिर आपको अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इजीली VLC मीडिया प्लेयर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास भी VLC मीडिया प्लेयर में ऑडियो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।